खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा मसाला। 1.5 कप राजमा लिया है। राजमा को रात भर पानी में भिगो लिया है। राजमा अच्छे से फूल गया है। राजमा को बॉयल होने के लिए प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। राजमा में पानी हम इतना डालेंगे कि आधा इंच तक पानी राजमा के ऊपर आ जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 3 से 4 सीटी आने तक राजमा को पका लेंगे, जब तक कि राजमा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 2 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 कलियां लहसुन की ली है, 2 हरी मिर्ची ली है। सारे इंग्रेडिएंट को मिक्सर जार में डालेंगे। टमाटर को काट के डालेंगे। सभी को एकदम बारीक पीस के इसकी प्योरे बना लेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर को एकदम बारीक पीस लिया है। कुकर में 3 सीटी आ गई हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कुकर में प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर में प्रेशर ख़त्म हो गया है। ढक्कन खोल के राजमा को चेक कर लेते हैं। देखिए राजमा कितने अच्छे से उबल गया है, आसानी से मैश हो रहा है, यानी कि राजमा अच्छे से उबल गया है। सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई ली है। इसमें 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जीरा अच्छे से भुन गया है। 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर के प्योरे। टमाटर के प्योरे के साथ में ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक याद रखिएगा, हमने राजमा में भी डाला है, आप उसी हिसाब से नमक डालिएगा। प्योरे को अच्छे से भुनने देंगे। 1 मिनट हो गया है प्योरे को पकते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसालों को इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। मसाले से तेल छूटना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसालों में डाल देंगे उबला हुआ राजमा। राजमा और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी अभी गाढ़ी है, इसमें पानी और ऐड करेंगे। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1.5 कप पानी यूज किया है। आपको जितनी पतली ग्रेवी पसंद हो आप उसी हिसाब से पानी डाल लीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ही 5 से 6 मिनट राजमा को पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं राजमा को पकते हुए। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा राजमा बन के आया है। राजमा को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे।
मसाला राजमा सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।